साहब एक न्याय चाहती है बलात्कार करिया जी का, इस मुलजमा को पकड़िया नहीं है और इसको कोई भी ध्यान नहीं के बाद सब सुनाई नहीं करते। अरे इस बोलते हैं कि विक्रम बोलते हैं कि 2-3 लाख ले दे दिया और मैं तेरा मेरा क्या ही नहीं बिगाड़ेगी, बाढ़ भी नहीं बिगाड़ेगी, मैं तुम भाग जाठू 40-50 हज़ार रुपया ले जा हैं। अब मेरे पता नहीं लगे जी साहब 2-3 बार रोजीना आते हैं घर पर, डेली आते हैं घर पर, बटे मेरी टपरी पर, टपरी ने बिखेड़ दी साहब, रुखवाले करके टाइम पास करता हूँ, 16-17 साल हो गया मेरे को रहता, कोई इतना दिना इतना भी उजाड़ नहीं जा, गांव को बुला के बुझा जाए मेरे लिए कि बदमाश एक सही है, और कदे भी ऐसा काम जिंदगी में नहीं हो रहा है मेरी में। तो आपने उच्च अधिकारियों को सूचना दी किसके मिले थे भी पहले? दोषा दिया यार साहब, जयपुर दे दी, मानपुर दे दी, सकंदरा दे दी, चौकी में दे दी, बांदी को ही दे दिया, 164 का बयान सब करा दिया, डॉक्टर मायना करा दिया, फिर भी इसको पकड़ रहा नहीं है। कितने दिन पहले का मामला? 1 महीना हो गया साहब। आज सुबह 7:30 बजे के करीब हमको सूचना मिली थी बांकरी रोड 2 साहब के पास स्थित एक टंकी पर एक महिला है, वो चढ़ गई है। इस सूचना पर मैं SHO साहब और हमारे तहसीलदार जी और प्रशासनिक और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर आई, हमारे द्वारा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम किए गए और उसको समझाइश की गई, समझाइश के बाद में उसको उतार लिया गया। क्या भरोसा दिया है भाई निष्पक्ष? नहीं, उसकी मांग ये है कि मेरे द्वारा एक 376 का मुकदमा सिकंदरा थाने में दर्ज कराया गया था, जिसकी ऑलरेडी डिप्टी SP मानपुर तफ्तीश कर रहे थे, तो उसमें क्या आवश्यक कार्रवाई की जाए। इस स्टेज पर जो हमारे द्वारा उसको एडिशनल SP साहब सिकाओ के द्वारा आगे अनुसंधान किया जाएगा, इस आश्वासन के साथ में नीचे आ जाएगा।